biggest South Asian media group, Y Media. पंजाब असेंबली का 3 दिन का सेशन जो मंडे से शुरू होगा बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज आप लेड सरकार से लॉ एंड ऑर्डर और राइजिंग स्टेट डेट पर अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। सेशन ऑबिचुरी रेफरेंसेस के साथ स्टार्ट होगा और 4 सितंबर को वाइंड अप हो जाएगा। कांग्रेस लीडर और एमएलए अरुणा चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी स्टेट में डिटीरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर का इशू रेज करेगी। स्नैचिंग, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जैसे इंसिडेंट्स रोज हो रहे हैं, कहना है दीनानगर के एमएलए का। चौधरी ने आप सरकार पर हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का प्रॉमिस पूरा ना करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आप सरकार ने पंजाब की महिलाओं को धोखा दिया है। कांग्रेस एमएलए सुखविंदर सिंह कोटली ने कहा कि आप सरकार ने 18 कॉलेजेस बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी एक भी कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिली है। बीजेपी एमएलए जंगीलाल महाजन ने एलिजिट इलीगल सैंड माइनिंग का इशू उठाया है। कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा ने भी आप सरकार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने असेंबली की इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया है बाय लिमिटिंग इट टू ओनली 3 डेज। भगवंत मान गवर्नमेंट ने विधानसभा की सिटिंग्स को इतना कम कर दिया है कि अब किसी मीनिंगफुल डिबेट के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा, खैरा ने पोस्ट किया एक्स पर। पंजाब असेंबली का 3 दिन का सेशन जो मंडे से शुरू होगा बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज आप लेड सरकार से लॉ एंड ऑर्डर और राइजिंग स्टेट डेट पर अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। सेशन ऑबिचुरी रेफरेंसेस के साथ स्टार्ट होगा और 4 सितंबर को वाइंड अप हो जाएगा। कांग्रेस लीडर और एमएलए अरुणा चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी स्टेट में डिटीरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर का इशू रेज करेगी। स्नैचिंग, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जैसे इंसिडेंट्स रोज हो रहे हैं, कहना है दीनानगर के एमएलए का। चौधरी ने आप सरकार पर हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का प्रॉमिस पूरा ना करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आप सरकार ने पंजाब की महिलाओं को धोखा दिया है। कांग्रेस एमएलए सुखविंदर सिंह कोटली ने कहा कि आप सरकार ने 18 कॉलेजेस बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी एक भी कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिली है। बीजेपी एमएलए जंगीलाल महाजन ने एलिजिट इलीगल सैंड माइनिंग का इशू उठाया है। कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा ने भी आप सरकार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने असेंबली की इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया है बाय लिमिटिंग इट टू ओनली 3 डेज। भगवंत मान गवर्नमेंट ने विधानसभा की सिटिंग्स को इतना कम कर दिया है कि अब किसी मीनिंगफुल डिबेट के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा, खैरा ने पोस्ट किया एक्स पर। Biggest South Asian media group, Y Media.